आज मैं जो आपके सामने ट्रिक शेयर करने वाला हूं, दिस इज ओनली नोन बाय 1% ऑफ एक्सेल यूजर्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा ट्रिक हो सकता है जो सिर्फ 1% एक्सेल यूजर को पता है? बिकॉज दिस इज एन हिडन ट्रिक, और हिडन भी कुछ अलग तरीके से किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग बड़े फाइल्स पे काम करते हैं जहां पर मल्टीपल शीट्स होता है और काफी सारा डेटा होता है, सो नॉर्मली कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, अनवांटेड डेटा को वी हाइड द रोज और वी हाइड द कॉलम्स, और वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, हम उसे डिलीट नहीं करते, बट कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। और मैं बात कर रहा हूं कि एक फाइल में मल्टीपल शीट्स होंगे जहां पर या तो कुछ रोज हिडन है, कुछ कॉलम्स हिडन है, एंड वी डोंट वांट एनी ऑफ दोज रोज और कॉलम्स। अब रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं 1% ऑफ एक्सेल यूजर्स को पता है? बिकॉज आई वांटेड टू डिलीट ऑल दोज रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ऑल द शीट्स इन ए फाइल, और वो भी विदाउट एनी प्रोग्रामिंग और एनी सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन। इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि डू यू नो दिस ट्रिक, कि हाउ टू डिलीट ऑल द हिडन रोज एंड कॉलम्स विदाउट एनी ऑटोमेशन, विदाउट मैनुअली डूइंग दोज थिंग्स। चलिए तो देखते हैं दैट ट्रिक विच इज ओनली नोन बाय 1% ऑफ एक्सेल यूजर्स। फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल एंड यहां पर मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया हुआ है। वी हैव शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। यहां पर मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया हुआ है, नथिंग इज हिडन राइट नाउ। मैं आपके सामने कुछ रोज और कॉलम्स को हाइड करता हूं। लेट सपोज इन द शीट 1 आई वांटेड टू हाइड, लेट सपोज जोन, जोन मुझे नहीं चाहिए यहां पर, लेट सपोज हाइड। तो मैंने यहां पर क्या किया है, एक कॉलम को हाइड किया हुआ है। Let us go to sheet 2. तो यहां पर मेरे पास if column को मैं यहां पर hide कर देता हूं। So E and G is the column और बीच में if को मैंने hide कर दिया। Let us go to the third one. यहां पर मैं क्या करूंगा, Let us hide 7th row which is camel saddle. So hide. इसी तरीके से एक और कर लेता हूं which is the 21st row hammock, yes, hide. Now we have hidden multiple things. अब इसी तरीके का आपके पास फाइल आ गया जहां पर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स हिडन है। नाउ आई वॉन्टेड टू डिलीट ऑल द हिडन रोज एंड कॉलम्स विदाउट गोइंग मैनुअली टू ईच ऑफ द शीट्स। तो चलिए वो मैजिक ट्रिक देखते हैं और किस तरीके से आप बिना ऑटोमेशन के थ्रो यू कैन डिलीट ऑल दोज ब्लैंक रोज एंड कॉलम्स। सो वट आई डू, I'll go with the file, और file में जाने के बाद I'll go with the info. Yes, file and then info. Under info, I'm getting this check for issues. हम लोग इस मेनू में कभी बहुत ही रेयर जाते हैं, और मेनू के अंदर भी मल्टीपल मेनूज है, वहां पर तो बहुत कम लोग जाते हैं। That's why I have told you 1% of Excel users. क्योंकि देख के exactly नहीं पता चलता कि कहां पर क्या ऑप्शन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इन्फो और इन्फो के अंदर चेक फॉर इश्यूज। यहां पर आ रहे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, लेट मी गो विथ दिस वन। नाउ यहां पर आ रहा है बिफोर यू यूज डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर मेक श्योर यू सेव योर चेंजेस। मैं कर लेता हूं यस, फाइल को मैंने सेव कर लिया, सेव्ड होना चाहिए फाइल। नाउ आई एम गेटिंग मल्टीपल थिंग्स हियर, मैं क्या करूंगा, लेट अस इंस्पेक्ट, एक बार इंस्पेक्ट करते हैं यहां पर। So it's inspecting, और यहां पर देखिए क्या आ रहा है। See, in this one I am getting multiple things, जो document inspector ने inspect किया और कुछ issues बताया। वहां पर एक issues है which is this one, देख रहे हो आप, hidden rows and columns. So two hidden rows found, two hidden columns found. मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ अलग से नहीं करना, it's showing an option for remove all. Click, wow, click on क्लोज, और आप क्लोज करने से पहले एक बार री इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कोई हिडन रोज और कॉलम्स तो नहीं रह गया। लेट अस गो विद दिस वन, ये देखिए देयर इज नो एनी हिडन रोज एंड कॉलम्स, वाओ, क्लिक ऑन क्लोज। अब जाते हैं यहां पर, देयर इज नो एनी जोन वाला कॉलम, जोन का कॉलम डिलीट हो गया। शीट टू में अगर मैं जाऊंगा
इन दोनों के बीच में एक कॉलम था जिसको मैंने हाइड किया हुआ था, वो डिलीट हो गया। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी हिडन रोज नहीं है। सो कैमल सैडल डिलीट हो गया यहाँ पर थे, एंड हैमॉक करके कुछ था वो भी डिलीट हो गया। और ये बाकी जो हैमॉक ये दिख रहा है, दिस इज द डिफरेंट डेटा, मतलब वो जो हिडन रोज एंड कॉलम्स था दैट इज डिलीटेड। ऑसम। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट करके जरूर बताइएगा दैट हाउ यू फाइंड दिस ट्रिक यूजफुल और आप इसको कहां पर यूज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल में रेगुलर पोस्ट करता रहता हूं, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है और टाइम कम लगता है, टाइम सेव हो जाता है। बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए मैजिक के साथ, एक और नए हिडन ट्रिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। दिस इज विवेकानंद सिन्हा साइनिंग off.